हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको टाइटल देख के समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो पीटीयू के क्वेश्चन पेपर हमारे पास आते हैं और जो आंसर शीट हमने अपलोड करनी होती है पीडीएफ फॉर्म में, वो कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ऑप्शन नहीं खुला है, 27 मई से खुलेगा। ठीक है, जैसे ही खुलेगा मैं इसके ऊपर और एक अच्छे से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से जनरल आइडिया लेना है। ठीक है, तो इस ऑप्शन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 3 बार्स दिख रही है, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे जाना आपको कहाँ पे जाना है, यहाँ पे नीचे नीचे आना आपको जाना है। नीचे आके यहाँ पे आना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड एंड आंसर शीट अपलोड पे, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यही वाला ऑप्शन यहाँ पे खुलेगा। जैसे ही ये ऑप्शन यहाँ पे खुलेंगे मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा, तो फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे 2 ऑप्शन होंगे, एक होगा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का, आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है टाइम पे और वहां से आपको अपनी A4 साइज शीट पे लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद PDF बना के उसकी, यहाँ पे एक और ऑप्शन होगा अपलोड का ऑप्शन होगा, वहां पे आपको अपलोड करके और आपका जो पेपर है वो सबमिट हो जाएगा चेकिंग के लिए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ से थोड़ा सा जनरल आइडिया हो गया होगा कि कैसे क्वेश्चन पेपर जो है डाउनलोड करना है और अपलोड करनी है आंसर शीट। ठीक है।